नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कटप्रोटेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वोटर आईडी में मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है। घर बैठे दोस्तों आसान तरीके से आप लोग लिंक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मोबाइल में बताएंगे ऐप के द्वारा स्टेप बाय स्टेप कैसे वोटर आईडी में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे प्ले स्टोर में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसको ओपन कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है, मैंने इंग्लिश चूज कर लिया है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद करेक्शन ऑफ एंट्री फॉर्म 8 पे क्लिक कर लेना है। देन अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुटअप कर लेना है। इसमें मोबाइल नंबर डाल के OTP मंगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अपना OTP पुटअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज कर लेना है, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। कंफर्म पासवर्ड रख लेना है। यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, अगर आप ईमेल आईडी डालना है तो डाल दीजिए, अन्यथा आप उसे कॉलम को छोड़ दीजिए। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 करेक्टर, यहाँ पे पासवर्ड किस तरह से रखना है यहाँ पे बताया गया है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक OTP आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल लेना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। दोस्तों हमारा लॉगिन हो गया है। अभी वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है देखो, लैंग्वेज सेटिंग, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें करेक्शन करना था, मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो करेक्शन ऑफ एंट्री फॉर्म 8 पे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक, उसके बाद लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। हमारे पास वोटर आईडी है तो यस पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डाल लेना है, उसके बाद डिटेल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही स्क्रॉल डाउन करना है, अपना डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना है और वहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पुटअप कर देना है, मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, अगर आपके पास कोई रिलेटिव का नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव का कोई किसी का डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, अन्यथा अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर अपना पुटअप कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माय आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, सब फ्लिप करने के बाद नेक्स्ट बटन करना है। दोस्तों अगर आप लोगों को एड्रेस चेंज करना है तो शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन क्लिक करना है, अन्यथा अगर आपको करेक्शन ऑफ एंट्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रोल्स इस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एक नाम जैसे चेंज करना है या मोबाइल नंबर या कुछ ईमेल आईडी तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप वहाँ पे टिक करके अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो। तो दोस्तों हमें मोबाइल नंबर लिंक करना है उसमें, या अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। आपको लिंक करना है तो यहाँ से इस पर टिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे,
दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल्ली हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा, प्लेस अपना डाल देना है दोस्तों यहाँ पे प्लेस। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये अपना सारा डिटेल यहाँ पे फॉर्म 8 प्रीव्यू देख लेना है जो आपने करेक्शन किया था। उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली ऑन डेट 28/3/2013 को, यहाँ पे दिख जाएगा जिस दिन आपने करेक्शन फॉर्म भरा रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे योर रिफ्रेश आईडी नंबर ये फला, इसको सेव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आसान तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से वोटर आईडी में अपना मोबाइल नंबर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी सेंटर जाए हुए अपने घर से ही ये ऐप के माध्यम से आप आसान तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको तुरंत तत्काल आपको हेल्प मिल सके कोई भी समस्या।